नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ उमा प्रभाकरन। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है तब अखंड भारत अब आर्यवर्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा हरिद्वार के एक समारोह में उठा दिया है, आजकल कोई जिसका नाम भी नहीं लेता। न तो कोई राजनीति दल, न कोई सरकार और न ही कोई नेता अखंड भारत की बात करता है। मोहन जी का कहना है कि अखंड भारत का यह स्वप्न अगले 15 साल में पूरा हो सकता है। ऐसा हो जाए तो क्या कहने, जो काम पिछले 75 साल में नहीं हुआ वह सरकारों और नेताओं के भरोसे अगले 15 साल में कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि नेताओं को इस मुद्दे की समझ होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनमें इसे ठोस रूप से देने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरी विनम्र राय है कि यह काम सरकारों से कहीं बेहतर वे गैर सरकारी संस्थाएं कर सकती हैं जो सर्वसमावेशी हों। 1945-50 के दिनों में गुरु गोलवकर ने अखंड भारत और राम मनोहर लोहिया ने भारत पाक एका का नारा दिया था। उस समय के लिए दोनों नारे ठीक थे, लेकिन आज के दिन इन दोनों नारों के क्षेत्र को बहुत फैलाने की जरूरत है। ये दोनों नारे उस समय के अंग्रेज के भारत के बारे में थे, लेकिन 50-55 साल पहले जब 15-20 पड़ोसी देशों में मुझे जाने और रहने को मौका मिला तो मुझे लगा कि हमें महर्षि दयानंद के सपनों का आर्यवर्त खड़ा करना चाहिए। इस आर्यवर्त की सीमाएं म्यांमार से ईरान और तिब्बत से मालदीव तक होनी चाहिए। इनमें मध्य एशिया के 5 गणतंत्रों और मॉरिशस को जोड़ लें तो 16 देशों का विशाल संगठन बन सकता है। बाद में इसमें थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात को भी जोड़ा जा सकता है। यह सार्क के 8 देशों से दुगना है। 16 देशों के इस संगठन का नाम जन दक्षेस है। दक्षेस सरकारों का संगठन है, पिछले 7-8 साल से ठप पड़ा हुआ है। जन दक्षेस इन 16 देशों की जनता और सरकारों को भी जोड़ेगा। इन देशों को मिलाकर मेरा सपना है कि इसे यूरोपियन संघ से भी अधिक मजबूत और संपन्न संगठन बनाया जाए। हमारे इन राष्ट्रों में यूरोप से कहीं अधिक धन संपदा गड़ी पड़ी हुई है। क्या तेल, क्या गैस, क्या यूरेनियम, क्या सोना, क्या चांदी, क्या लोहा और क्या तांबा, सब कुछ हमारे इन देशों में इतना भरा हुआ है कि अगले 5 साल में संपूर्ण दक्षिण और मध्य एशिया के लोग यूरोपीय लोगों से भी अधिक मालदार बन सकते हैं और करोड़ों लोगों को नए रोजगार मिल सकते हैं। हमारे इन 16 देशों के मजहब, भाषाएं, वेशभूषाएं और खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये सब एक ही हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से ये विशाल आर्यवर्त के अभिन्न अंग रहे हैं। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक, अंग्रेजी हटाओ के कर्णधार, भारतीय विदेशी नीति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं। अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरन को, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।